हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका जो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये कौन सी राशि होती है। तो इस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहला चैप्टर है क्लास 12 का, इसमें हम देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, दो हम पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ए पॉइंट्स है, एक बी पॉइंट्स है। ए पॉइंट्स एक बिंदु है, ए बिंदु पर हम प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं और बी बिंदु पर हम माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, और इन दोनों आवेशों को हम मिला देते हैं, ठीक है। और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, ठीक है। याद रखेंगे इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। और ये 2L है, ये मतलब अल्पांश लंबाई है, अल्पांश दूरी है, मतलब अल्प दूरी है, ठीक है। ये दोनों आवेश हम ऐसे तो बहुत दूर दूर दिखाए हैं ना, परंतु ये दोनों आवेश बहुत ही पास पास है, अल्प दूरी है इन दोनों आवेशों के बीच की। तो हम यही से डिफिनेशन करेंगे, परंतु एक पॉइंट आपको याद रखना है, दूरी तो अल्प है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो आवेश दोनों दिखाई दे रहे हैं ये परिमाण में सामान्य है, परंतु आवेश जो है ये विपरीत आवेश है। तो याद रखेंगे इसको क्या कहेंगे, कि जो आवेश है, आवेश कैसे हैं, आवेश परिमाण में क्या है, सामान्य है, परिमाण में सामान्य है, परंतु बीजातीय आवेश है, अलग अलग आवेश है ना, तो इसे हम बीजातीय आवेश कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बीजातीय आवेश कहेंगे। तो हम यहीं से डिफिनेशन कहेंगे, हम यहीं से डिफिनेशन क्या कहेंगे, कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा बीजातीय आवेश, मतलब क्या कहेंगे, अल्प दूरी पर स्थित दो दो सामान्य तथा बीजातीय आवेश के बने इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ये जो बना निकाय है, यदि ये कंडीशन हो कि अल्प दूरी पर हो दोनों आवेश, और दोनों आवेश परिमाण में सामान्य हो, और दोनों आवेशों के जो विपरीत आवेश हो, मतलब इन दोनों का आवेश क्या हो, बीजातीय आवेश हो, तो इस प्रकार के जब बनेगा तो उस निकाय को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछ दे तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन आप यही कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा बीजातीय आवेश के इस बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप यहां से समझ में आपको आना चाहिए कि क्या हो, सामान्य हो और बीजातीय आवेश हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो हम एक बार और मैं बोल रहा हूं, आप डेफिनेशन को लिखिए, लिखेंगे क्या कि अल्प दूरी पर स्थित दो दो सामान्य तथा बीजातीय आवेश कि इस बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, लिखेंगे यही कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान तथा विजातीय आवेशों के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अल्प दूरी पर स्थित दो सामान्य तथा बीजातीय आवेश के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये इसका फिगर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विद्युत द्विध्रुव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही ईजी से आपको याद हो जाएगा डिफिनेशन इसका। दूसरा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये इसमें आ रहा है विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव तो अभी हमने बताया, ठीक है, ये इसका फिगर है। और इसी निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसमें आघूर्ण जुड़ गया है। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसे भी समझिएगा। हम कहेंगे यही कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, समझिएगा, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा इन दोनों आवेशों के
के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो P इक्वल टू क्या, दोनों आवेशों में से एक कोई आवेश ले लेंगे और इनके बीच की जो दूरी है वो ले लेंगे और इनको गुणा करा देंगे, गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। तो हम यही से कहेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो एक बार मैं और सिक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप लिखिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लिखे स्वयं। तो आप क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे यही विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों बीच की दूरी को विद्युत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन। तो आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से बड़ा दिखाई दे रहा होगा, परंतु यहाँ से आपको याद रखना है विद्युत द्विध्रुव हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसे अगर हम सिक्वेंस में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, इसे ही हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखे, तो पी इक्वल टू हम टू को इधर ले आ देते हैं, तो टू और फिर से क्यू लिख देते हैं, एल लिख देते हैं, तो इस प्रकार हम लिख देते हैं। ठीक है, इससे ये क्या हो रहा है, अंक जो है वो आगे आ जा रहा है, इससे और क्या हो रहा है, सटीक दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख देते हैं। ठीक है, याद रखें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये संकेत आपने जान लिया कि संकेत क्या होता है, P से। अब आते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, मात्रक की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो याद रखेंगे इसका मात्रक होता है, यदि मात्रक पर बात किया जाए तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो याद रखेंगे इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, तो कूलाम मीटर आप याद रखेंगे। अब आते हैं कि ये कौन सी राशि होती है, ये कौन सी राशि राशि होती है। तो याद रखेंगे जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये एक सदिश राशि होती है। कौन सी सदिश, सदिश राशि होती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉर्मूला, संकेत देख लिया, मात्रक देख लिया, राशि देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, विमीय सूत्र पे, कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि हम इसको तोड़े इसको, ठीक है, इसके मात्रक को जब तोड़ा जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें यही प्राप्त होगा एम जीरो एल टी ए। ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा इसका विमीय सूत्र। अब कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए जब बताने लगे टाइम लेगा। ठीक है, इसको हमने सिखाया है किस में, मात्रक एवं मापांक चैप्टर में, क्लास 11th में। तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, क्लास 11th में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मात्रक एवं मापांक और लिख देंगे क्लास 11th, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आप यहां से याद कर सकते हैं कि इसका विमीय सूत्र ये होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव और उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो वादा किया था कि आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझकर आप याद करें तो आपको बहुत ही आसानी से याद भी हो गया होगा और याद हो जाएगा अगर नहीं याद हुआ है तो। ठीक है, दूसरी बात, जो ये पॉइंट्स आपको लिखवाए गए हैं, जो सूत्र है, मात्रक है, राशि है, विमीय सूत्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो
हूँ। तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12th फिजिक्स का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और यदि सीरियस पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12th फिजिक्स ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।